नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी है ना, वो है एक साउथ इंडियन ऑथेंटिक टैमरिंड राइस है। आप इमली का राइस बोल सकते हो, जैसे टमाटर का राइस हम बनाते हैं, पनीर पुलाव बनाते हैं, मटर पुलाव बनाते हैं, वैसे ये भी है। मैंने खाया है इसको, मेरा मोस्ट फेवरेट रेसिपी है ये राइस का। मुझे बहुत पसंद आता है ये। खट्टा भी जिसको पसंद है और राइस जिसको पसंद है उसको और क्या चाहिए। और फ्लेवर जैसे एकदम बनाते हैं ना ओरिजिनल तरीके से, वो वाला फ्लेवर हम देंगे। बहुत क्विक रेसिपी है। एक चीज़ ये भी है, आप तुरंत राइस बना के भी इसको बना सकते हो, चावल मतलब पका के, या तो लेफ़्ट ओवर राइस है ना आपके पास उससे भी आप इसको बना सकते हो, मर्ज़ी आपकी। लेफ़्ट ओवर राइस भी यूज़ हो जाएगा और बढ़िया एकदम नया डिश बनकर रेडी हो जाएगा। कभी नहीं ट्राई किया है अगर मैं ये इमली से बना हुआ राइस, आप ज़रूर इसको एक बार बना कर खाना, बहुत बढ़िया लगेगा। और लंच बॉक्स में भी इसको ले कर जा सकते हो, और क्विक रेसिपी है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। टैमरिंड राइस बनाने के लिए पहले हम मसाला समझ लेते हैं। यहाँ दो जगह हमने मसाला लिया है, ये जो है सब तड़का देने के लिए है, और ये है हमें ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाना है इसका। तो एक टेबलस्पून मैंने ले लिया है चना दाल, एक टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है, एक टीस्पून फुल मैंने उड़द दाल लिया है, एक ही टीस्पून मैंने सिसमी सीड लिया है, जो सफ़ेद वाली तिल आती है ये है। यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने लिया है मेथी दाना, और 1/4 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर काली मिर्च लिया है साबुत, और 4 लाल मिर्च लिया है। इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। और यहाँ पे जो तड़का देना है वही 1 टीस्पून मैंने उड़द दाल लिया है, 1 टेबलस्पून चना दाल, और कुछ मैंने करी लीव्स लिया है। करी लीव्स आपके पास हो तो ज़रूर डालें, ना हो तो कोई बात नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 6 हरी मिर्च लिया है, 2 लाल मिर्च लिया है, इसको बीच से हम स्लिट कर लेंगे जब हम तड़का देने लगेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने सिंग दाना लिया है, और ये है इमली का पेस्ट, मेन इंग्रेडिएंट है ये चाहिए इसमें। ये मैंने पेस्ट लिया। आजकल ना मार्केट में क्या होता है, पेस्ट आता है पैकेट में, इमली को ना भिगाने की झंझट, ना उसका सीड रिमूव करने की झंझट, वो टाइम आपका सेव हो जाता है। मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ, इमली का पेस्ट 1 टीस्पून मैंने फुल ले लिया है। इसको पानी डाल के ना हम इसका पतला सा ये बनाएंगे, इसको मिक्स करेंगे, तब हम तड़के में डालेंगे। तो ये हमारा तड़का हो गया है। और राइस ना इस जगह पे ना, यही इसका प्लस पॉइंट है, आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस हो या फ्रेश राइस आप अभी बना के इसमें डाल सकते हो, बची हुई राइस का इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। राइस कोई भी होगा चलेगा, बासमती रेगुलर जो हम खाते हैं ना, यही इसका एक प्लस पॉइंट है, कोई भी राइस आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, और ये मसाला जो है हम पूरा सीधा इसमें डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसको बढ़िया हम सेक लेंगे। इस मसाला को हमें बढ़िया एकदम चलाते हुए एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। मसाले का एकदम हल्का कलर चेंज हो गया है। आंच को बंद करके इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम पीस लेंगे। मसाला यहाँ पे मैंने पीस करके रेडी कर लिया है। एकदम बारीक हमें नहीं पीसना होता है, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। मैं यहाँ पे सेम ही पैन में बना रही हूँ। 2 टेबलस्पून अराउंड हम इसमें तेल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। तड़का हम एक साथ ही बना करके रेडी करेंगे, कुछ भी अलग अलग हमें सेकने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम डाल देंगे ये सिंग दाना, और थोड़े टाइम इसको हम भून लेंगे। पहले 2 मिनट हमें हो गया है सिंग दाना को फ्राई करते हुए। अब इतना हो गया है कि अब साथ में ही हम बाकी का तड़का डालेंगे ना, तो एक साथ में बढ़िया तड़का हमारा रेडी हो जाएगा। एक चीज़ पर ध्यान देना है, फ्लेम जो है मीडियम लो पे रखोगे ना तो तड़का हमारा जलेगा नहीं। तब यहाँ पे मैं अराउंड 1/2 टीस्पून जितना मस्टर्ड सीड डाल रही हूँ। सरसों का दाना डालने के बाद अब हमारा ये पूरा तड़का जो है ये हम साथ में ही डाल देंगे, थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि हमारे ऊपर तेल ना आए छींटा। अब इसको भी हम बढ़िया चला लेंगे, और इसी के साथ ही हम इसमें 2 पिंच जितना हींग डाल देंगे। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया लगता है, आप ज़रूर डालेंगे हींग। अब साथ में ही मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसको भुनना है, फ्राई करना है।
यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कितना बढ़िया हमारा तड़का बनकर रेडी हुआ है। देखो सब में एकदम बढ़िया कलर आ गया है। अब इसी स्टेज पे हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। फ्लेम एकदम स्लो पे ही रखेंगे हम, कुछ सेकेंड है ये हम इसको भूनेंगे। उसके बाद अब इसमें हम ये इमली का पेस्ट जो रखा था ना, इसमें पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लिया, ये डाल देंगे हम, थोड़ा सा कवर कर देंगे हम। अब इसको चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा थिक कर लेना है। इसमें मैंने पानी कितना डाला, जो हमने इमली का पेस्ट इसमें पतला किया था ना, एक बॉल भर के था ना ये, वो था एक बॉल भर के और इसमें डाला, तो 2 मैंने इसमें डाला है, उतना पानी इसमें मैंने डाला है। अब इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे पानी को। इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, पहली बार अगर मैं आप बनाओ ना, तो हमें ऐसा लगता है ना कि इमली का राइस हम बना रहे हैं तो इमली कुछ ज़्यादा इसमें डालना चाहिए, मत ऐसा करना। क्योंकि मैंने पहली बार, मेरा भी एकदम बेकार ही बना था, वही दिमाग लगाया था। इमली इतना समझ लेना कि खट्टा तो होता ही है, पता नहीं क्यों बनाने के टाइम पे मैं फ़र्स्ट टाइम जब बना रही थी तो मेरे दिमाग से निकल गया था, तो मैंने इतना उसमें 2 टेबल स्पून उठा के मैंने इमली का पेस्ट डाल दिया, इतना बेकार राइस हो गया ना, खट्टा खट्टा, खाने का मन ही नहीं हुआ। तो इमली सोच समझ के इमली का पेस्ट डालना, थोड़ा कम डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बिल्कुल मत डालना। ये देखो थोड़ा सा ये थिक हो गया है। अभी इस स्टेज पे हम करेंगे क्या, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। देखो इतना लिक्विड इसमें होना चाहिए ताकि हम राइस जब इसमें डालें ना, तो पूरी तरह से ना राइस हमारा इमली के पेस्ट में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। अगर मैं एकदम ड्राई कर देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आ पाएगा और मिक्स करने में भी बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम अब इसको पूरा राइस डाल करके हम मिक्स कर लेंगे। देखो इमली का पेस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ है और एकदम खिला खिला राइस हमारा बन रहा है। इसको मिक्स करने के बाद ये हमारा मसाला जो है अब इसमें हम डाल देंगे। कुछ भी अब हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, सब एक साथ बढ़िया मिक्स करने की ज़रूरत है। अब फ्लेम को अभी मैंने मीडियम पे ही कर रखा है। और ये मसाला जो है ना, अगर मैं आपको ये राइस पसंद हो ना, तो ये मसाला आप बना करके ना एक कंटेनर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख देंगे ना तो महीना एकदम बढ़िया 1 मंथ तक चल जाएगा ये मसाला। मैंने राइस को मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पकाया है, अब इसे हमें पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को बंद करके हम इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। हमारा यहाँ पे एकदम बढ़िया टैमरिंड राइस बनकर रेडी हो गया है, जिसको आप इमली का राइस बोल सकते हो। एकदम चटपटा, तीखा, एकदम बढ़िया, सुपर टेस्टी बना हुआ है। इसको तो आप लंच बॉक्स में भी बनाकर ले जा सकते हो, कितना इजी रेसिपी है ये, एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना। बस खाली इमली का पेस्ट कितना डालना है उस पे ध्यान देना, ज़्यादा मत कर देना, कम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से आप लोग भी बढ़िया एकदम इमली का राइस बना करके इंजॉय कर सकते हो। आप लोगों को देख के लगा होगा ना कितना टेस्टी हुआ होगा, मुझे बनाते बनाते मुंह में पानी ही आने लगा था क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब तो मैं जा रही हूँ एंजॉय करने, आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर खाना, खा के अपना कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि कैसा बना ये रेसिपी, कैसा लगा आप लोगों को। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक होने होंगे, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।